हे नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मी ब्लूटूथ ईयरफोन्स यानी कि शाओमी के ब्लूटूथ ईयरफोन्स। और ये देखने में कुछ इस तरीके के लगते हैं, आप देख सकते हैं। क्या ये एप्पल एयरपॉड से ज्यादा अच्छे हैं? क्योंकि ये दिखने में कुछ कुछ वैसे ही लगते हैं, लेकिन शाओमी के अपने टिपिकल स्टाइल में आते हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉक्स है वो काफी छोटा सा है, तो यहाँ पे बीच में हमें अपना प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं सबसे पहले ओपन और अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ये हमारे पास व्हाइट कलर में है, ब्लैक कलर में भी ये अवेलेबल है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। और ये सिर्फ आपको 600 से 700 रुपए का मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसे bangood.com से खरीद सकते हैं। अगर आप इसे खरीदेंगे bangood.com से तो आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, तो टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं बॉक्स पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है एक माइक्रो यूएसबी केबल, जो कि आप इसे यूज कर सकते हैं चार्ज करने के लिए। तकरीबन 1.5 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा, तो 1 से 1.5 घंटे में आपका ये फुल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाता है ईयर कप्स। तो ये जो ईयर कप देख सकते हैं, तो इसमें लगाया है ये स्मॉल साइज है और मीडियम और लार्ज हमें देखने को मिल जाता है। जो ईयर कप है वो थोड़े अलग स्टाइल का है, तो देखते हैं कि कैसा फिट होता है और आप लोगों को ये मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है ये शाओमी का मी ईयरफोन ब्लूटूथ ईयरफोन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू। तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं आपको एक बटन देखने को मिल जाता है जहाँ पे कॉल का साइन बना हुआ है। तो बेसिकली आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप अपनी कॉल्स ले सकते हैं। साथ ही में ये पावर ऑन एंड ऑफ बटन है, जिससे आप इसी ईयरफोन को पावर ऑन कर सकते हैं और पावर ऑफ कर सकते हैं। और यहां से आप अपनी मीडिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मीडिया जैसे आप अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो इस बटन को प्रेस करके आप वीडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। और अगर आप गाने सुन रहे हैं अपने वीडियो प्लेयर में या ऑडियो प्लेयर में, तो यहां से आप पॉज एंड प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको वॉल्यूम के बटन देखने को मिल जाते हैं, बेसिकली वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं, जहां से आप अपनी आवाज कम कर सकते हैं और आवाज बढ़ा सकते हैं। उसके साथ आपको नीचे की तरफ MI की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और अगर आप एकदम नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। तो यहां पे अगर आप एकदम साइड में देखेंगे ईयर कप्स के नीचे, तो आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। तो यहां से अगर आप कुछ बात करेंगे तो आप यहां से किसी से भी कॉल को आंसर कर पाएंगे और डायरेक्टली इसी के थ्रू आप किसी से भी बात कर पाएंगे। तो डिजाइन काफी स्लीक है, बिल्कुल मैट व्हाइट फिनिश में आता है और देखने में काफी अच्छा लगता है। इसके कलर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसको आपको पेयर कैसे करना है। तो बेसिकली आपको चाहिए अपना स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन से आप इसे पेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के लिए इसका जो ऊपर वाला बटन है उसको प्रेस करके रखिए थोड़ी देर के लिए, जब तक जो लाइट है ब्लू LED, आप देख सकते हैं यहाँ पे LED है, वो ब्लिंक करेगी फास्ट फास्ट। तो ब्लिंक करने के बाद आप अपने फोन की सेटिंग्स खोलिए और यहाँ पे ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जाइए। तो ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे एक चाइनीज में नेम आ गया है, तो बेसिकली यही वो प्रोडक्ट है। तो आप चाहे तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं और ये कनेक्टेड यहाँ पे हो गया है। तो मैंने कनेक्टेड कर लिया सक्सेसफुली। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन में दे दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि कनेक्टेड हो गया। तो बहुत इजी ऐसे कनेक्ट करना, कनेक्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बस पावर ऑन कीजिए, ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चला जाता है। बस अपने फोन का ब्लूटूथ खोलिए और वहां पे एक चाइनीज डिवाइस का नेम आ रहा होगा, उस डिवाइस पे क्लिक करके कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करना बहुत सिंपल है और काफी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे आप इसे। तो मैं आप लोगों को इसे पहन के दिखा देता हूँ कि ये कैसा लगता है और इसकी जो फिट है वो कितनी अच्छी है। तो आप इसे किसी भी राइट और लेफ्ट ईयर में पहन सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपको बेसिकली एक ही मिलता है बॉक्स में, दो नहीं मिलते। एप्पल एयरपॉड्स की तरह आपको दो नहीं मिलते, सिर्फ एक देखने को मिलता है। और ये देख सकते हैं आपने बड़ी आसानी से यहाँ पे पहन लिया, लेकिन फिट उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप इसे सिर्फ ब्लूटूथ रिसीवर की तरह यूज करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप इसे कॉल्स ले सकते हैं और कॉल्स कर सकते हैं। और मैं बात करूँ म्यूजिक प्लेबैक की, मीडिया प्लेबैक की, तो ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इंप्रेस बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि ऑडियो ना तो लाउड है, ना तो क्रिस्प है, और ना ही यहाँ पे बेस आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो बहुत धीमी हुई सी ऑडियो आपको सुनने को मिलती है। तो अगर आप इसे सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे ईयरफोन्स रहेंगे, एप्पल एयरपॉड्स बहुत महंगे हैं, तो 700-800 रुपए में आपको शाओमी के, वो भी शाओमी के देखने को मिल रहे हैं, ब्रांडेड कंपनी के, तो क्या मैं इसे ले लूं? तो अगर आप मीडिया के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिए, ये उस काम के लिए बनाए नहीं गए हैं, ये सिर्फ आपकी कॉल्स रिसीव करने के लिए बनाए गए हैं। और ये सिंपल सा ब्लूटूथ रिसीवर है जिसे आप यूज करके अपनी कॉल्स ले सकते हैं और कॉल्स को आंसर कर सकते हैं। इसका जो काम है वो बस वही है, लेकिन इसकी जो डिजाइन है वो काफी यूनिक है और काफी अच्छी लगती है देखने में। तो अगर आप लोग इसे यूज करेंगे एज अ ब्लूटूथ रिसीवर तो मेरे लिए ये पिक है। अदरवाइज आप इसे अगर मीडिया प्लेबैक के लिए लेना चाहते हैं तो मत खरीदिए। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप सभी को इसी तरह की एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।